गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत बाजारों के मूड माहौल से करें सर। अचानक से फिर से अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है, ब्याज दरों बढ़ने के खतरे और ये सारी चीजें जो होती दिख रही है, बताएं सर ग्लोबल मार्केट्स को लेकर किस तरह का व्यू आपका बन रहा है इस वक्त, समझाएं जरा। अनिल जी, गुड मॉर्निंग, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स काफी शेकी है। मैक्रो लेवल पे काफी सारे हेडविंड्स रहे हैं पिछले एक साल से, चाहे आप इंटरेस्ट रेट की बात कर ले या फिर जियोपॉलिटिक्स की बात कर ले। कल या परसों एक साल पूरा हो जाएगा रशिया यूक्रेन वॉर को, अभी भी चल रहा है। और जो मार्केट का पहले अनुमान था कि यूएस फेड का टर्मिनल रेट 4.755 के दरमियान रहेगा, वो मुझे लगता है थोड़ा गलत साबित हो रहा है। 5.5 के आसपास भी ये हो सकता है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी अभी भी काफी स्ट्रांग है अगर आप वहां के लेबर मार्केट का डेटा देखें तो। सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ग्लोबली, जो कि लग रहा है यहां से भी, अभी भी इसका कोई पॉज होते हुए दिख नहीं रहा है, तो एक नेचुरल रिएक्शन इक्विटी मार्केट्स में आएगा ही। और जहां तक इंडिया का बात है, हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से मार्केट 18,000 के आसपास सीमित होकर रह गया है। अक्टूबर 2021 में हम 18,400 थे, आज फरवरी 2023 में हम करीबन 18,000 प्लस माइनस 200 के रेंज में हैं। इससे एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये है कि वैल्यूएशंस आपके काफी करेक्ट हुए हैं। यही लेवल पे 1.5 साल पहले आपका वैल्यूएशन 21 टाइम था, चूंकि बीच में निफ्टी का अर्निंग्स बढ़ा है, आज यही लेवल पे आपका पी 18 है। तो अभी हम एब्सोल्यूट लेवल पे बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, 18 का पी 18.5 का पी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहलाएगा, लेकिन रिलेटिव बेसिस पे अभी भी हम बहुत महंगे हैं। MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में अक्टूबर 2022 में हमारा प्रीमियम 160% हो गया था, जो पिछले 4 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद घट के अभी करीबन 115-120% है, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है। इसका एवरेज 70-75% होता है। तो मुझे लगता है ये साल थोड़ा टफ ही रहेगा, लाइक लास्ट ईयर। पिछले साल हम फ्लैट रह के पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म किए हैं, इस साल अगर हम फ्लैट रहते हैं तो शायद दुनिया को अंडर परफॉर्म करेंगे, जो कि इनिशियल 1-2 महीने के सिग्नल से लग रहा है। सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली इलेक्शन का नॉइस चालू हो जाएगा, 8 स्टेट इलेक्शन है, उसके बाद 2024 के बड़े इलेक्शन है, तो मार्केट का फोकस थोड़ा सा फंडामेंटल से हटते हुए पॉलिटिक्स पे भी जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि चुनाव का माहौल बनता हुआ दिखेगा सेकंड हाफ से, और उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन नतीजों पर जो नजर है, और आप तो नतीजों को बड़ी बारीकी से देखते पहचानते हैं और कंपनियों की कमाई पर फोकस भी करते हैं, जरा बताएं सर ये रिजल्ट सीजन कैसा रहा आपकी नजर में, और उससे क्या खास टेक अवेज है हमारे लिए? तो अनिल जी, रिजल्ट सीजन थोड़ा म्यूटेड था। जो 2021 और 22 में एक स्ट्रांग और ब्रॉड ग्रोथ आ रहा था, वो थोड़ा सा डिसेलरेट हो गया है, मतलब उसका पेस कम हो गया है। अब रिजल्ट्स को देखने के लिए अलग अलग लेंस से देखना होगा, क्योंकि अगर आप निफ्टी देखते हैं तो आपको लगेगा कोई परेशानी नहीं है, 11% ग्रोथ आया है, हमारा एक्सपेक्टेशन 14% का था, तो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हुआ। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स है, जो हम 222 कंपनी जो हम ट्रैक करते हैं, उसका अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो वहां पे फ्लैट नंबर्स थे अर्निंग्स पे, प्रॉफिट्स पे। हमारा एक्सपेक्टेशन 8% ग्रोथ का था, एक्चुअल नंबर फ्लैट था। तीसरा, अगर आप मेरे यूनिवर्स के 222 कंपनीज में से निफ्टी के कंपनीज हटा देते हैं 50 और 172 कंपनीज के नतीजे देखते हैं, तो जो मुनाफा है वो 18% से घट गया है ईयर ऑन ईयर। यू नो, दिसंबर 22 के सामने अगर आप दिसंबर 21 का कंपैरिजन करेंगे तो 18% का प्रॉफिट डिक्लाइन है। हमारा एक्सपेक्टेशन 3% डिक्लाइन का था। सो जो ब्रॉडर मार्केट्स जिसे कहते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, नॉन निफ्टी कंपनीज, वहां पे काफी सारा पेन है, और ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, पिछले 3 क्वार्टर से चल रहा है। ट्रेंड वाइज देखे क्वालिटेटिवली तो केवल फाइनेंशियल्स और ऑटोस के नंबर्स अच्छे आए हैं, जिन्होंने 11% निफ्टी के अर्निंग्स को हेल्प किया है। और नेगेटिव साइड में सबसे बड़ा झटका कमोडिटीज का था, जहां मेटल्स के प्रॉफिट 60% डाउन थे, ऑयल एंड गैस के प्रॉफिट 20% डाउन थे, सीमेंट्स के प्रॉफिट 30% डाउन थे, और बाकी फिर कंज्यूमर और फार्मा काफी फ्लैटिश था। IT वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। सो रिजल्ट्स काफी म्यूटेड था और ब्रॉड बेस नहीं था। निफ्टी में हमारा अर्निंग्स रिवीजन बहुत मार्जिनल है, हमने 1% से अर्निंग्स काटा है FY23 का। हमारा फुल ईयर का अनुमान है कि 12% ग्रोथ होगा, और पहले 9 महीने में 14% हो चुका है,
एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो करंट रियलिटी है. 24 में हमको लगता है कि ग्रोथ अच्छा रहेगा, क्योंकि जो एक बड़ा डिक्लाइन कमोडिटीज में देखने मिला है FY23 में, वो थोड़ा सा रिबाउंड कर सकता है. जैसे मेटल्स के प्रॉफिट FY22 में 75,000 करोड़ थे, वो गिर के 25,000 करोड़ हो गया FY23 में. हमारा एस्टिमेट है FY24 में ये 45-50,000 करोड़ हो जाएगा. सो बहुत तरीके से रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं. फुल ईयर बेसिस पे आप देखते हैं निफ्टी दिस ईयर, अगर आप कमोडिटीज हटा दे तो 30% का ग्रोथ है, फिनेंशियल्स हटा दे तो 0% ग्रोथ है, राइट. नेक्स्ट ईयर अगर आप देखते हैं जो 22% का हमने प्रोजेक्शन किया है निफ्टी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ का, उसमें से कमोडिटी हटा देंगे तो 15% ग्रोथ हो जाता है. सो यू गेट डिफरेंट कंक्लूजंस डिपेंडिंग ऑन विच डेटा सेट, विच सेट ऑफ एग्रीगेट यू लुक एट. लेकिन ये क्वार्टर म्यूटेड था और नंबर ऑफ डाउनग्रेड्स काफी ज्यादा थे ब्रॉडर मार्केट्स में अपग्रेड के मुकाबले. हमने 92 कंपनीज में अर्निंग्स काटा है 3% से ज्यादा, और केवल 45 कंपनीज में अर्निंग्स बढ़ाया है 3% से ज्यादा. सो थोड़ा सा म्यूटेड था ये क्वार्टर. म्यूटेड क्वार्टर रहा. नतीजों पर अगर आपको विस्तार से पूरा सुनना और समझना है तो गौतम सर की पूरी डिटेल रिसर्च आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि नतीजों पर जिस तरह की गहरी रिसर्च करते हैं और कंपनियों की कमाई का जो अंदाजा होता है वो लाजवाब है. सर आज थोड़ी सी समय की कमी है, मैं आपसे और बात करना चाहता था, आपसे कुछ और चीज़ें भी पूछना चाहता था, फिर से आपसे समय लूंगा. आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए. धन्यवाद.